इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मेनली हम यही सीखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंटर कर गया उसके बाद ये इंसान को कैसे मारता है, यानी कि हाउ कोरोना वायरस किल्स। हमें दिखाई दे या नहीं, पर जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब इंसान छींकता है तो करीबन 40000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, यानी कि इस एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर दूर तक जा सकती हैं। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। पर सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में, वो ऐसे कि हमें दिखे या ना दिखे लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकालेगा, ये ड्रॉपलेट्स इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक रह सकती हैं। अब जैसे ही कोई और इस जगह से गुजरेगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? इस सवाल का दूसरा जवाब है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान में से निकलकर बहती हवा के साथ उड़ता हुआ आसपास हर जगह में फैल जाए। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी से निकल के जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स पर नहीं टिक पाती वो आसपास के सरफेसेस पर आके टिक जाती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पे 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील पे 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, एक्सेट्रा। अब जैसे ही कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी ऐसे सरफेस को टच करके अपने आँख, नाक या मुंह पे हाथ लगाएगा तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। ये समझने के लिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प कैसे करते हैं। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं, इसे बोला जाता है विंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में, या यूं कह लो कि 2 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। अब जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होती हुई फिर इन 2 ब्रोंकाई से होती हुई इन अनेकों ब्रोंकियोल्स में पहुंच जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंकियोल्स के भी एंड में, यानी कि इधर होती है एल्वियोलाई। ये ही है वो जगह जहां पे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। आइए देखते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स में पहुंच चुकी थी, अब वो और आगे बढ़ती हुई एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अपने दोनों लंग्स में टोटल 60 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वियोलाई डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाती है। सांस अंदर तो इन्फ्लेट, सांस बाहर तो डिफ्लेट। अब होता ये है कि ये एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से, यानी कि कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये वो ही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात ये है कि इस एल्वियोलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज़्यादा पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार क्रॉस कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 थी, वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 हमने अंदर ली थी वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में। CO2 कैपिलरी से एल्वियोलाई में और फिर बाहर, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज में और फिर शरीर के अंदर। खैर, अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से ही बनता है, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है वो भी सेल से ही बनी है, ये ब्रोंकियोल्स भी सेल से बने हैं, ये ब्रोंकाई भी सेल से बनी है, लंग्स, विंड पाइप, स्टमक, ब्रेन वगैरह सब सेल से बना है। अगर इस जगह बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया जाए तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। हमारा शरीर ऐसे 37 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर बना है। इसमें बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है। अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि कोरोना वायरस सेल में घुसता कैसे है।
मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस इन लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है और सेल पर जो ACE2 रिसेप्टर है वो ताला है। यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि हाथ पैर ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर और जो काम मैं बताता हूँ वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान की बॉडी में 1 तारीख को एंटर किया, तो सबसे पहली बार इन्फेक्शन फैलाने में, या यूं कह लो कि ये सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने खड़े इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी वो बुखार या और सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, या यूं कह लो कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और आप 1 मीटर की दूरी बनाए बिना ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और जन्म लेंगे, तो हमारा इननेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे कि आपको COVID-19 में बुखार भी इसलिए होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए, एक्सेट्रा। अब जो यंग लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, उसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो फिर फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसकी सभी चाबियों पे गलत ताला कनेक्ट कर दिया। इससे कोरोना वायरस सेल के ACE2 रिसेप्टर पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा और सेल के अंदर एंटर करके अपनी और कॉपीज नहीं बना पाएगा। चलो वो सब तो ठीक है, पर ये जो इतने सारे कोरोना वायरस ऑलरेडी बन चुके हैं, इनका क्या होगा? इनका ये होगा कि जैसे ही इन पे एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी, तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मैक्रोफेजेस वहां वहां जाएंगे जहां एंटीबॉडीज होंगी और एंटीबॉडीज के साथ कोरोना वायरस को भी इंसर्ट कर लेंगे। खास बात यह है कि ये एंटीबॉडीज सिर्फ एक कोरोना वायरस से नहीं, बल्कि एक से ज्यादा कोरोना वायरस से कनेक्ट हो सकती हैं, जिससे मैक्रोफेजेस कोरोना वायरस को बल्क में खा पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस की चाबियों पे कनेक्ट कर सकता था, तो उसने एकदम शुरुआत में सबसे पहले वाले कोरोना वायरस पे ही कनेक्ट क्यों नहीं कर दी? वो इसलिए क्योंकि इन एंटीबॉडीज को बनाने में टाइम लगता है। जो हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम है, वो पहले इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को समझता है, उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है। कोरोना वायरस का फेटलिटी रेट एल्डरली लोगों में ज्यादा है और यंगर लोगों में कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डरली लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब क्या? इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब यह है कि बड़े बूढ़े लोगों में ये एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में नहीं बन पाती जितनी जरूरत है।
अगर आपने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां, आपको वैक्सीन्स का वर्किंग मैकेनिज्म भी समझ में आ चुका है। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो आसान भाषा में समझ लो, बहुत इजी मैकेनिज्म है ये। आप अच्छे से जान चुके हो कि सारा खेल कोरोना वायरस की चाबी यानी कि स्पाइक प्रोटीन पे गलत ताला यानी कि एंटीबॉडीज कनेक्ट करने का है। अब होगा ये कि जैसे ही शरीर में वैक्सीन डाली जाएगी वो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का एडवांस्ड जीनोमिक कोड दे देगी। आसान शब्दों में कहूँ तो वो इम्यून सिस्टम को बता देगी कि फ्यूचर में इस प्रकार का वायरस शरीर में अटैक कर सकता है, उसके लिए इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं, वो तैयार रखना। अब जैसे ही शरीर में कोरोना वायरस एंटर करेगा तो इससे पहले कि वो सेल में घुस के अपनी कॉपीज बनाए, इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करेगा जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाके कनेक्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस होने से हमें बुखार क्यों होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन कोरोना वायरस होने से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है ये अभी तक समझ नहीं आया। आपको याद है मैंने बताया था कि कोरोना वायरस सेल को हाईजैक करके जब अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है तो सेल एक लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय होने से प्लस इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई से अपने फेफड़ों में पस इकट्ठा हो जाता है। ये पस एल्वियोलाई में इकट्ठा होता है। अब जैसा आपने देखा कि एल्वियोलाई ही अपने शरीर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में आके बाहर जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आके हार्ट के अंदर जाती है, लेकिन अगर बीच में पस आ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी, इसलिए सांस फूलती है और कई केसेस में इंसान दम भी तोड़ देता है। जो हमारे सलाइवा की ड्रॉपलेट है इसका 98% कंपोजिशन वाटर ही है, यानी कि ये लगभग पानी से ही बनी होती है। कोरोना वायरस अगर पानी से मरता होता तो सलाइवा में ही मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी से हाथ धो लेने से कोरोना वायरस नहीं हटेगा, सैनिटाइजर कोरोना वायरस की इस आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। 3D एनिमेशन के द्वारा किसी भी टॉपिक को समझाना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर 3D एनिमेशन की मदद से दूसरी वीडियोस में ये भी सीखो कि फास्टैग कैसे काम करता है और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, पुलवामा अटैक की साजिश कैसे हुई, ग्रेनेड कैसे काम करता है और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, और भविष्य में बनने वाला भव्य राम मंदिर कैसा दिखाई देगा। इसके अलावा अगली वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से ये भी समझेंगे कि अगर वैक्सीन का वर्किंग मैकेनिज्म इतना ही आसान है तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसके अलावा वेंटिलेटर्स के पीछे की टेक्नोलॉजी भी समझेंगे और देखेंगे कि वेंटिलेटर की मदद से इंसान सांस कैसे ले सकता है।